हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है आपके सामने वापस उपस्थित होने का। आज बहुत ही विशेष तारीख है, 11 मार्च, और आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। आज वो 10 साल के पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये कि आज इतना सुंदर समय वापस मुझे देखने को मिल रहा है। हर साल हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और आज का दिन बहुत खास है, लेकिन अफसोस की बात है हम लोग ने इस साल पार्टी नहीं रखी है। कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है बिल्डिंग में, इसीलिए हम लोग अकेले ही मना रहे हैं, हम 5 लोग अपने परिवार के। और मैं जो आज गिफ्ट देने जा रहा हूँ ओम को, उसके बर्थडे पे, ये 3 महीने पहले ही मैंने हम लोग डिस्कस कर लिया था कि उसके लिए बेस्ट क्या होगा इस उम्र के लिए और उसकी उपयोगिता को देखते हुए। तो उसके सामने रखा हुआ है गिफ्ट, लेकिन वो खोल नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे आदेश नहीं दिया है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन ये गिफ्ट खोले इससे पहले मैं कुछ उसको कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे को इस तरह से प्यार दें, पैसे से खरीदी हुई चीज़ से नहीं, लेकिन उसको इमोशन से और उसको अच्छे संस्कार से सींचें ताकि वो एक अच्छा इंसान भारत का बन सके और अपनों के लिए काम आ सके, और उसे अपने आप पे भी गर्व हो कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं आरव कुछ बोलना चाहता हूँ, सीधे ले चलता हूँ आरव के पास, देखिए कैसा है वो। आई, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और तैयार हो आप अपना गिफ्ट खोलने के लिए? हाँ, बहुत। आपको मालूम है क्या देने वाला हूँ, लेकिन आपको उसकी रूपरेखा नहीं मालूम है, स्वरूप नहीं मालूम है, लेकिन आपको आइटम मालूम है क्या है। लेकिन बेटा, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत बहुत खुशी है, सारे भगवानों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी जैसी पवित्र आत्मा मेरे घर में पैदा हुई है आपके रूप में। आई लव यू बेटा। भगवान करे कि हर एक घर में आप जैसा बच्चा पैदा हो, इतना टैलेंटेड, इतना समझदार, अपने बड़ों का ख्याल रखने वाला, संस्कारों का पालन करने वाला। मुझे बहुत खुशी है बेटा, आई लव यू, आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। आपको कोटि कोटि आशीर्वाद हम सब बड़ों का। और शाम को आपको पूजा पे बैठना है, आपकी पूजा की जाने वाली है, ठीक है? आप हमारे घर का चिराग हो, इस देश के नागरिक हो, आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है, ठीक है? कुछ ऐसी फील्ड में जाइएगा, मैं नहीं बोलूँगा आपको क्या बनना है, ऐसी फील्ड में जाइएगा जिससे लोगों को आपके टैलेंट का फ़ायदा हो सके, ठीक है? जो भी फील्ड में जाइएगा, 100 से 200% मैं कहूँगा आपको पूरी मेहनत करनी है। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो हमें जानते ही हैं, ठीक है? लेकिन मेहनत आप करोगे, मेहनत से नहीं बचोगे। यही मैं आशीर्वाद दूंगा, जुग जुग जियो, हमारा नाम ऊँचा करो, लोगों के काम आओ, ठीक है? और बहुत बहुत साल तक जियो, 200 साल जियो मेरा बच्चा। और लीजिए अपना गिफ्ट, ले लीजिए। एक सेकंड।